अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मलिक आरिफ कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक है। मलिक आरिफ, ये पीटीओ के क्लच के एजेंट हैं जी। किसके? पीटीओ क्लच के, लेदर के जी। हाँ जी, ये आगे वाला जो है ना, ये ऐसे काम करता है थोड़ा। अब ये देख, ये ऊपर आ रहा है ना, इसने खींचा हुआ है। ठीक है, किसको खींचा हुआ है? इस साइड वाले लेदर को, न्यूट्रल। इस साइड वाला लेदर जो है ना, वो पकड़ता है मेन शाफ्ट को। अब शाफ्ट घुमा नहीं घूमेगी ना, क्योंकि इसने शाफ्ट वाली पुली को पकड़ा हुआ। ठीक है, अब न्यूट्रल वाली जो है वो इसने, जब ये देखना, ये नीचे हुई ना, वो न्यूट्रल हो गया। इस साइड वाला वो न्यूट्रल वाला है, और ये जो है ये मेन उस पुली वाला वर्किंग वाला है। जब काम करता है इसको छोड़ देता है, इसको पकड़ लेता है। अच्छा, एक मेन बात ये है कि इसके अंदर सुराख होना ज़रूरी है। ये देखना, सुराख है। अब इसमें तार डाली है, इसके साथ इसको लॉक कर देंगे ताकि ये ट्रैक्टर के साथ घूमे ना। उसके लिए ये एक चीज़ है, पत्री है। ठीक है, इसकी दोनों साइड ये है ना, दोनों साइड इसको कंट्रोल कर रहती हैं ताकि ये घूमे ना। सही है, लेकिन जब ऊपर नीचे होता है ना, तो इस पत्री को ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। इसमें अभी भी देख, ये जख्म है ना, निशान है, निशान है। ये कुछ अर्से के बाद इसमें ऑटोमेटिक घूम जाएगा, घूम सकते हैं, या ये पत्री टूट जाएगी। तो इसमें ज़रूरी है सुराख का होना, तार का होना। तार के साथ लॉक हो जाए, ये ना घूमे। इसका मसला इतना ज़्यादा नहीं है, घूम भी जाए, इसको नहीं घूमना चाहिए। जब इसको लॉक करोगे इसके साथ, तो ये भी नहीं घूमे। क्या ख्याल है? अच्छा, अब जब इसको एडजस्ट करना है तो क्या करना है, आप देखना किसको ज़्यादा टाइट करना है और ये काम ठीक करेगा। थोड़ा ये भी देख, किसको टाइट जो इसको इसने पकड़ना है, इस साइड वाले ने। इस साइड वाला न्यूट्रल है। अगर आप ऐसे करते हो ना, समझो कि इस पोजीशन पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपने गियर लगाना है। क्या करना है? गियर लगाना है। यहाँ पे ये पीटीओ गियर लगा हुआ है, पीटीओ शाफ्ट बंद है। जब इसको ऊपर उठाओगे ना, ये देखना, अब इसको खींचा हुआ था, अब इसको छोड़ दिया, नीचे कर दिया और इसको खींच लिया। ठीक है ना? हाँ जी, जब इसको खींचा है तो अब काम करना शुरू कर दिया। अब आपने टाइट करना है तो किसको करना है? इसको। अच्छा, इसको देखना कैसे है कि कितना कुछ टाइट करना है, कितना इसको ढीला रखना है, इसका पता कैसे चलेगा? घुमाकर? नहीं, इसको यहाँ से देखना है। ये देखना, अब इसका सेंटर लगा, इसका पिन के साथ सेंटर लगा, ये जो काबले वाली पिन है, यहाँ पे आना है स्प्रिंग कुप्पी ने, उसने जोर दबा के रखना है। अच्छा, इसको ज़्यादा, अगर आपने ये तार निकालना, एक मिनट समझाता हूँ। अब ये देखना किसको खींचा हुआ है, इसको। ठीक है, और ये आगे है। अब पिन का सेंटर लगा, ये थोड़ी सी इस रुख पे है, आगे है फुल, यहाँ पे नीचे फुल है, लेकिन थोड़ा सा आगे। अगर ज़्यादा आगे होगा ना, तो कुप्पी काम फॉलो नहीं करेगी, ढीली हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़े से तवाज़न से रखना है ताकि इस तरफ मुड़ जाए और इस तरफ मुड़ जाए। अगर ज़्यादा इस तरफ ढीला रखोगे ना, तो ये फिर बहुत पीछे हो जाएगा। ये काम वाली जगह, इस जगह पे ये काम कर रहा है। आपने इसको थोड़ा सा ढीला रख दिया, कुप्पी पीछे चली गई। ठीक है ना, स्प्रिंग पीछे चला गया, इसके ऊपर जो दबाव था वो दबाव खत्म हो गया। ठीक है ना, जब दबाव खत्म हो गया ना, तो इसने काम नहीं करना है। एक तो ये जो एडजस्टर पिन है ना, इस पिन को टाइट रखना है। थोड़ा सा ये सख्त हो, भारी हो, ठीक है, उस सख्त भारी रखने के लिए पिन को टाइट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा फर्क रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा फर्क रखा तो उसका कुप्पी का, स्प्रिंग का प्रेशर कमज़ोर हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखना, इतनी कुछ पड़े है, यहाँ से देख, कुप्पी निकलेगी नहीं और अपना तवाज़न बरकरार पिन इसको दबा के रखेगी। अगर हम थोड़ा सा इसको ढीला करते हैं ना, तो फिर ये आगे चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो उस स्प्रिंग को बहुत सारा फासला मिल जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। जब इसने ऐसे दबा के रखना है ना, तो फुल टाइट होना चाहिए, इस जगह पे फुल खींच के रखे,
जितना खींच के रखेगा ना उतना ही लेदर को लूज नहीं रखेगा, पकड़ के रखेगा, नहीं करेगा, पकड़ के रखेगा दोनों साइड पे इतना कुछ। अब देखना ज़्यादा अगर इसको करते हैं ना ढीला, इसको अब मैं आपको ना दिखाता हूँ थोड़ा करके फिलहाल इस तरह। अब ये देखना कितना चला गया आगे आगे। अब कुप्पी का प्रेशर, स्प्रिंग का प्रेशर बहुत कम हो गया, तो आपने किस जगह पे रखना है इसको ऊपर उठा देना है, ठीक है ना। उठाना है तो ये देख, अब देखा है ना कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मज़ीद ही अगर टाइट कर दोगे तो फिर भी खींच के, इस तरफ का कोई मसला नहीं, ये न्यूट्रल की साइड है, काम वाली साइड ये है, ठीक है ना। इस साइड पे थोड़ा सा इसको टाइट रखोगे तो मज़ीद ये बेहतरी के लिए ना आ जाएगा। अब देख कितना फ़र्क है, थोड़ा ही मज़ीद ही इसको टाइट कर दें तो फिर इससे ही कम हो जाएगा, फिर स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ने के साथ लूज नहीं करेगा। अगर ये एक बार लूज कर लेता है तो फिर लेदर खत्म हो गया। अच्छा जो केम वाला पीटीओ है ना उसमें बड़ा फायदा है, उसकी केम है, केम का समझो कि थोड़ा सा घुमाओगे फिर से लेदर टाइट हो जाएगा, लेदर ही थोड़ा सा बड़ा है। हाँ जी ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट, अल्लाह हाफिज़।